व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई एम वीर. वेलकम टू स्टडी आई क्यू. देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा टाइम की कितनी शानदार डेफिनेशन दी गई है. यहाँ पर टाइम को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है. देखिए, टाइम स्लो हो जाता है जब हम किसी भी चीज़ की वेट करते हैं, तो हमको टाइम स्लो लगने लगता है. टाइम बहुत फास्ट लगने लगता है जब हम लेट हो जाते हैं कहीं पर. यार जल्दी जल्दी निकलो, पता नहीं कितना लेट हो गया. कहीं कोई एग्जाम देने जाना हो या किससे मिलने जाना हो, टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है. जब हम लोग सैड होते हैं, पड़े रहते हैं, बस यार जाने दो जो चल रहा है, बस मेरे से मत पूछो क्या चल रहा है. टाइम बहुत शॉर्ट लगता है जब हम हैप्पी होते हैं, मतलब जब खुश होते हैं तो लगता है यार टाइम पता नहीं कहाँ पे चला गया. दोस्तों के साथ में जब गप्पे फेंकते हैं बैठकर, पुरानी जो कॉलेज के दिन या स्कूल्स के दिन रहते हैं, जब आगे बढ़ जाते हैं, हम जॉब करने लगते हैं, तो उस टाइम पर जब मिलते हैं तो कहते हैं यार टाइम का पता ही नहीं चला तुम्हारे साथ, कितनी जल्दी टाइम निकल गया. टाइम एंडलेस हो जाता है जब पेन होता है. जब पेन होता है तो उस टाइम पर टाइम काटना ही मुश्किल हो जाता है. जब टाइम लॉन्ग हो जाता है, जब फीलिंग बोर लग रहा हो, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को वो टाइम जो है वो लॉन्ग लगने लगता है. तो यहाँ पर बोला गया है कि हर एक टाइम जो टाइम है वो डिटरमाइन किया जाता है आपकी फीलिंग्स के द्वारा, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के द्वारा. मतलब घड़ी तो उसी तरीके से घूमेगी ना यार, जो टाइम चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा. तो टाइम एक तरीके से देखा जाए तो सबके लिए सेम है घड़ी के हिसाब से, पर लेकिन वो चेंज होता रहता है हमारी फीलिंग्स के हिसाब से, जो हमारे माइंड की कंडीशन है उसके हिसाब से. तो हमेशा कोशिश करें कि अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि वो आपके हिसाब से एक इफिशियंसी लेकर आए. मतलब ये है कहने का कि टाइम को हमेशा इफिशियंट वे में देखें. ऐसे ना देखें कि यार टाइम खराब चल रहा है, यार ये क्या हो गया. मतलब टाइम में अपनी फीलिंग्स, जो गंदे वाली फीलिंग्स है वो ऐड ना करें. टाइम में हमेशा अच्छे वाली फीलिंग ऐड करें तो आपका टाइम हमेशा अच्छा रहेगा, ये बोला गया यहाँ पर. ओके, तो आज 23rd of August है. देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं. ये यहाँ पर स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज हैं. अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये खरीद सकते हैं. यहाँ पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. और यूपीएससी की बात करूँ तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में. अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपके माइंड में हो तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और ये है वेबसाइट, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं. आप सभी लोगों को पता है कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है. 5 जो जज थे उन्होंने अपना डिसीजन दिया है. जो डिसीजन पास किया गया है वो 3:2 से किया गया है. तो 3 की फेवर से यहाँ पर जजमेंट को पास कर दिया गया है. ट्रिपल तलाक के बारे में पूरा आर्टिकल है, इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इससे रिलेटेड इशू है आज की डेट में. न्यूज एनालिसिस में काफी पोर्शन है आज का, उसको भी हम लोग साथ में ही देखेंगे यहाँ पर. ओके, जो ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर अमेरिका के बारे में डिस्कस किया गया है. अमेरिका के बारे में डिस्कस किया गया है, जो डिवाइड आज की डेट में होता जा रहा है अमेरिका में. जो व्हाइट्स हैं, व्हाइट्स मतलब जिनकी स्किन जो है वो व्हाइट है और जिनकी स्किन जो है वो ब्लैक है, उनके बीच में यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करने की कोशिश की गई है. देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अमेरिकन की हिस्ट्री बताना चाहूँगा यहाँ पर. अगर आप लोग यहाँ पर मैप में देखें इसको, ये हो गया अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं. नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है ये ऊपर, और नीचे हो गया साउथ अमेरिका. दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट है यहाँ पर. अगर हम अमेरिका की बात करें तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है नॉर्थ अटलांटिक वाला एरिया है. यहाँ पर कोई भी अगर इंटरनल देखा जाए तो कुछ ट्राइब्स रहती थी बस, इससे फालतू कुछ नहीं था यहाँ पर. यहाँ पर क्या हुआ, आने वाले जैसे टाइम आता चला गया, आप लोगों को पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और यूरोप एक काफी अच्छे तरीके से उभर के आया. तो यहाँ पर क्या होता था, बहुत सारे माइग्रेट होकर यहाँ से इंसान जाकर यहाँ पर रहने लगे. ये यूरोप हो गया, यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम, और बहुत कुछ हद तक आप लोग बोल सकते हैं अफ्रीका से भी यहाँ पर आके रहने लगे. तो मैक्सिमम जो रहे वो यूरोप से रहे यहाँ पर आकर. कुछ तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए चले गए, कुछ यहाँ पर पनिशमेंट दे दिया गया यूरोप वाले एरिया में, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वहाँ पर जाकर रहने लगे. कुछ को निकाल दिया गया यहाँ से किसी रीजन की वजह से, तो वो यहाँ पर जाकर रहने लगे. तो इस तरीके से यहाँ पर जाकर रहने लगे और यहाँ पर 13 कॉलोनी बना ली गई स्टार्टिंग में. आप लोग देख सकते हैं ये 13 कॉलोनी स्टार्टिंग में यहाँ पर बसाई गई. तो अगर देखा जाए तो यहाँ से जो यहाँ पर रहते हैं, जो ओरिजिनलिटी यहाँ पे है, ये 13 कॉलोनी की है यहाँ पर देखा जाए तो. मतलब यहाँ पर बाहर से आकर सब इंसान रहने लगे. तो आज की डेट में जिस यूएसए की हम बात करते हैं वो यूएसए इस तरीके से बनना स्टार्ट हुआ था. पर जो प्रेजेंट डे में आज की डेट में है, यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को पता होगा, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन वगैरह भी हुए उसके बारे में. तो आज की डेट में देखा जाए तो एक साइड में तो हो गए व्हाइट्स और एक साइड में हो गए ब्लैक. जो आर्टिकल वो कंप्लीट चल रहा है वो इनके बीच में जो डिवाइड है उसको देखते हुए चल रहा है. अगर देखा जाए तो कई तरीके से यहाँ पर डिस्कशन किया गया. फर्स्ट जो बात की गई है वो की गई है यहाँ पर सैलरी की. अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू व्हाइट में, व्हाइट्स को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है. व्हाइट्स की जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी देखा जाए और जो इनकी रिचनेस के हिसाब से भी देखा जाए, तो व्हाइट्स यहाँ पर काफ़ी डेवलप्ड इंसान है एज कम्पेयर टू जो ब्लैक्स हैं. ठीक है, ये बात यहाँ पर पहली बोली गई है.
अगर डिफरेंस किया जाए तो लगभग डबल के करीब है यहाँ पर, ठीक है, दोनों की इनकम में। अगर दूसरी बात यहाँ पर की जाए, दूसरी बात यहाँ पर की जाती है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो व्हाइट्स हैं वो अच्छी खासी एजुकेशन यहाँ पर इनके पास में रहती है, पर जो ब्लैक्स हैं उनके यहाँ पर अच्छी खासी एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती है। फिर आगे चल के जिक्र किया गया पुलिस का ट्रीटमेंट का, अगर पुलिस को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, जो व्हाइट्स पीपल हैं उन पर ज़्यादा अत्याचार नहीं करती है, जो ब्लैक्स पीपल हैं उन पर ज़्यादा अत्याचार करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई डायमेंशन में यहाँ पे जो सोसाइटी है वो डिवाइड कर रखी है। और अगर इम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मैक्सिमम ज्यादातर पोस्टों पे कौन है, वो व्हाइट्स हैं एज कम्पेयर टू ब्लैक्स, ठीक है। तो काफी हद तक जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो चुकी है। और अगर ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख के चले तो ट्रंप को क्या किया गया, ट्रंप को जो जीता के लाया गया वो मैक्सिमम व्हाइट्स के द्वारा जीता के लाया गया है। ब्लैक्स जानते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटी में और व्हाइट्स जो है यहाँ पर मेजोरिटी में, तो ट्रंप्स के द्वारा जो जीत कर आ गए हैं वो व्हाइट्स आ गए हैं। पर लेकिन आगे चल के थोड़ा चेंजेस ये बताते हैं। देखिए अगर देखा जाए ढंग से तो एक मुद्दा बताते हैं, अगर पुराने टाइम से और अब तक का थोड़ा जिक्र किया जाए तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो गरीबी है, जो पुअर्टी है, वो जो देखा जाए जो ब्लैक्स हैं उनमें पुअर्टी घटी है, मतलब जिस हाई लेवल पर पुअर्टी हुआ करती थी उस हाई लेवल पर आज की डेट में इनमें पुअर्टी नहीं है। पर लेकिन अगर व्हाइट्स की बात की जाए तो व्हाइट्स में जो पुअर्टी है वो बढ़ी है, पहले अगर 8% पुअर थे तो अब यहां पर 10% हो गए, और यहां पर अगर यहां पर 30% पुअर थे तो अब घटकर 20% हो गए। हालांकि गैप अब भी है दोनों के बीच में, पर लेकिन यहां पर पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं और यहां पर नेगेटिव साइन दिख रहे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आर्टिकल के बारे में हो गई। और इस तरीके से ट्रंप को भी आप लोगों को पता है हमेशा व्हाइट्स का फेवर करते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा जीत कर वो लाए गए हैं। और हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में ट्रंप चुन के आए थे, आप लोगों अगर याद हो थोड़ा बहुत, तो उस टाइम पे मैंने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे। उनमें से एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के, उनका आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था। उन्होंने बोला था, बहुत ही क्रिटिकल वे में उन्होंने डिस्कस किया था वो आर्टिकल। उन्होंने उसमें बताया था कि किस तरीके से जो व्हाइट्स पीपल है उनकी बुद्धि फिर गई है, क्यों, क्योंकि वो ट्रंप जैसे इंसान को चुन के लेके आ रहे हैं जिसका खुद का ही कोई एक स्टैग नहीं है, वो कभी कुछ बोलने लगते हैं और कभी कुछ बोलने लगते हैं, उनका रवैया चेंज होता रहता है। और ऐसी कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिलते हैं, ऐसी कंट्री जो वर्ल्ड की लीडर मानी जाती है, पुलिसमैन का काम करती है, तो ऐसी कंट्री के अगर लीडरशिप में एक ऐसा इंसान आके बैठ जाए जो कि एक फिक्स नहीं है, अपनी आइडियोलॉजी पे फिक्स नहीं है, तो ऐसी कंट्री जो कि वर्ल्ड को एक तरीके से देखा जाए एजुकेशन के फील्ड में भी सबसे आगे लेके जाना चाहती है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए हर कोई इंसान अगर पढ़ना चाहता है तो यूएसए में जाकर पढ़ना चाहता है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन, इस तरीके की जो सोसाइटी है, उन्होंने इस तरीके के इंसान को चुन के लेके आए हैं, तो उस टाइम पर बहुत क्रिटिसाइज उस आर्टिकल के द्वारा किया गया था। तो कुछ ऐसा ही रवैया आज की डेट में भी आप लोग तब से लेके जब तक डोनाल्ड ट्रंप जी चुन के आए थे और आज तक का अगर एक टाइम पीरियड आप लोग देखकर चले तो उसी तरीके का रवैया यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इन्होंने अपने जो प्रचार किया था इलेक्शन का उस टाइम पर जो बातें बोली थी। हालांकि काफी हद तक चेंज भी हैं चीजें, पर लेकिन इनका रवैया वही है, स्टेप कुछ बोला जाता है और फिर बाद में होता कुछ है। तो उसी तरीके से डिवाइड आ गया आज की डेट में देखा जाए, यूएसए में कई लेवल पर डिवाइड आ गया है। तो जो पहले इनको फॉलो किया करते थे, इनको सपोर्ट किया करते थे, कहीं ना कहीं जो वो भी आज की डेट में इनसे दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई सारी बातें यहां पर बोली जा रही हैं इस तरीके से। तो बाकी तो देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी चल रही है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, हमको बस इतना पता होना चाहिए जो हमारे काम का है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नीचे वाला तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, यहां पर जिक्र किया गया फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा दोनों टर्म, फ्यूजन एंड फिजन। तो पहले आप लोगों को वहां का डिफरेंस बताता हूं, तब आप लोगों को यहां का डिफरेंस वैसे समझ में आए भी नहीं भी तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स है, पर वो वाला फ्यूजन और फिजन आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्यूजन का मतलब होता है जब एक तरीके से जो बड़े एटम्स होते हैं उनका टूट जाना, ठीक है ना, जो मान लीजिए दो एटम है उनका टूट जाना, तो इसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो इसी के ऊपर वर्क करते हैं, जब यहां से टूटते हैं तो यहां से टूटने के बाद में दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, फिर इस तरीके से वो चेन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आता है, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर करते हैं वो किसके बेस पे रहता है, वो फ्यूजन के बेस पे रहता है। पर फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना, आप लोग ये देख सकते हैं एफ यू, तो जो यू बनता है आप लोग याद रख सकते हैं कि यहां से एक आम आई और यहां से एक आम आई, इस तरीके से चल के दो भुजाएं आके जुड़ गई, तो फ्यूजन आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं यहां पर। तो फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसी तरीके से यहां पर बात क्या की गई है, यहां पर बात की गई है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आप लोगों ने देखा AIADMK पहले क्या हुआ, टूट गई, दो गुट में टूट गई, फिर इसके बाद में क्या हुआ, अब वो जुड़ने जा रही है। जुड़ने का रीजन क्या है, देखिए इनका जो सिंबल था, जो लीव, जो दो पत्तियों वाला सिंबल था, वो अब तक इलेक्शन कमिश्नर ने इनको नहीं दिया था, पर लेकिन जुड़ने के बाद में अब इनको मिल जाएगा वो, एक तो ये बात कर रखी है। दूसरी साइड में एक तो फ्यूजन हो गया, ठीक है ना, मतलब जुड़ गई है ये, पर लेकिन फ्यूजन भी देखने को यहाँ को मिल सकता है, वो है धिनकरन, जो कि शशिकला जी के, मतलब जो शशिकला जी के बेटे तो नहीं रहे, मतलब रिलेटिव है उनके,
तो वो अब मान लीजिए उनके उनके भी काफी अच्छे यहाँ पर कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से यहाँ पर एक डिवाइड देखने को मिले, क्योंकि उनकी फैमिली को इग्नोर किया जा रहा है। कल परसों भी हमने आर्टिकल किया था जो शशिकला जी जेल से किस तरीके से बाहर निकल जाती हैं आराम से विद दी हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस, तो वही सब चीजें डिस्कस की जा रही है। तो फिर से यहाँ पर डिवाइड देखने को मिलता है, फ्यूजन जुड़ गए हैं पर फ्यूजन फिर से देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो ये कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। और देखिए तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, वैसे आने वाले टाइम में बीजेपी भी अपना स्टेक बनाना चाह रही है यहाँ पर, और अपोजिशन का तो कुछ कहने ही क्या। तो अभी देखने को अभी आने वाले टाइम में देखेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है और इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहे हैं, तो जैसे जैसे चीजें आएंगी हम लोग देखेंगे। ये वाला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल में डिस्कस किया गया है जिस तरीके से आज की डेट में हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटी होती है उनमें, खासकर पशु, खासकर जितने भी यहाँ पर देखिए दो चीज होती है, एक तो बोलते हैं फ्लोरा और दूसरा बोलते हैं फ्यूना। फ्लोरा बोलते हैं जो पेड़ पत्तियां होती है, और फ्यूना बोलते हैं जो जानवर वगैरह यहाँ पर होते हैं, तो जो एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह जो भी यहाँ पर होते हैं, तो आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं जो फ्यूना है इनकी लाइफ में। मतलब ट्रैकिंग वाला सिस्टम लगा दे रहे हैं, किसी के गले में पट्टा डाल दे रहे हैं, या फिर कैमरेज के द्वारा ट्रैकिंग लगा रहे हैं उनको काउंट करने के लिए। तो ये बोला जा रहा है कि क्या इतना इंटरफियर करना अच्छा है, तो उसको यहाँ पर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अगर हमको कोई ट्रैक करने लगे 24 घंटे कैमरा लगाकर, तो वो तो हमको गवारा नहीं है, पर लेकिन अगर हम उनको कर रहे हैं तो उनकी प्राइवेट लाइफ हम हनन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल डिस्कस किया गया है, इस वाले आर्टिकल को देखेंगे। ये वाला आर्टिकल शरद पवार जी के द्वारा यहाँ पर इंटरव्यू दिया गया है, शरद यादव जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू दिया गया, आप लोगों को पता है बिहार की अभी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने इनसे अलग हो गए हैं, ठीक है। तो इनसे अलग हो गए हैं तो अब बीजेपी के साथ में जुड़ गए हैं, तो ये अपना यहाँ पर स्टैंड रखने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लीटली पॉलिटिकल आर्टिकल है, सारी चीजें पॉलिटिक्स की जिक्र की गई है, किस तरीके से ये कई बार महागठबंधन बनाया गया, तो ये बोल रहे हैं कि उसमें मैंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और मैं हमेशा स्टेट की पॉलिटिक्स के बारे में कभी सोचता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा नेशनल की पॉलिटिक्स के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा एक ब्रॉड व्यू लेके आता हूँ। तो आर्टिकल पढ़ के कहीं कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि इंसान अपनी ही बड़ाई कर रहा है, तो ये भी कहीं कहीं आप लोगों को अगर आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिल रही थी। चलिए हमारे किसी काम का नहीं है ये। ये यहाँ पर नीचे लेवल के इलेक्शन हुए, वार्ड के इलेक्शन हुए, तो यहाँ पर 148 सीट थी, 148 में से 140 जो है वो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जीत ली गई है। आप लोगों को पता है कि सेवंथ नेशनल लेवल की पार्टी बन गई है तृणमूल कांग्रेस, और यहाँ पर जो 6 सीटें मिली हैं वो बीजेपी को मिली हैं, और एक दो सीटें मिली है फॉरवर्ड ब्लॉक को। फॉरवर्ड ब्लॉक ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसके बारे में आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसको सीटें मिली हैं तो देखने के लिए ये आ रहा है यहाँ पर, कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन ये बन रही है कि तृणमूल कांग्रेस जिसके खिलाफ इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये सरप्राइजिंग है कि इतनी सारी सीटें जीतकर कैसे आ गया। तो अभी 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं फिर उसका थोड़ा जिक्र किया गया है यहाँ पर, किस तरीके से अगर ये जीत के आता है तो बीजेपी के तो बीजेपी के लिए काफी भारी पड़ जाएगा आने वाले टाइम में, ओके। तो उन सब चीजों का यहाँ पर डिस्कशन किया गया। आप लोगों को क्वेश्चन बताना है जो मैंने पूछा फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, किसके द्वारा स्थापित किया गया था और कब किया गया था, ये भी लिखना, ओके। ये वाला तो नीचे नोटबुक वाला आर्टिकल है, अपनी पर्सनल चीजें लिखते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। आइए आज का अपना फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे यहाँ पर जो शादी है वो बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरी कंट्रियों में तो कई सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे लिविंग रिलेशनशिप में रह लेते हैं या फिर बिना शादी के, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, पर हमारे यहाँ पर शादी का मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ आ गए उनकी शादी हो गई। आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी होगी जैसे टू स्टेट लाइक मूवी, कई सारी मूवी ऐसी देखी होंगी, मतलब शादी का मतलब हमारे यहाँ पर माना जाता है कि दो परिवार का मिलना, दो फैमिली का मिलना, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये मतलब है शादी का। तो शादी होने के बाद में फिर अगर उनका दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो एक तरीके से जब टूटता है तो वो भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि दो फैमिली टूट रही है। तो तलाक की बात की जाती है, तलाक अगर देखा जाए रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हिंदू में अलग तरीके से चलता है यहाँ पर, मुस्लिम में अलग तरीके से चलता है, तो हर एक साइड में अलग तरीके से तलाक की प्रथा चलती आती है। पर लेकिन अगर वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वुमेन तो चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो वुमेन तो वुमेन है ना। तो अगर एक वुमेन को तो बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, मतलब नॉर्मली तलाक अगर दिया जा रहा है तो उसको भी इतने ही राइट्स हैं जितने यहाँ पर मैन को हैं एक रिलीजन में। पर लेकिन अगर दूसरे रिलीजन में देखा जाए तो इतने राइट्स वुमेन के पास में नहीं है जितने मैन के पास में है। तो यहाँ पर खासकर फोकस किया गया है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी में तलाक का एक प्रोसेस है, वहाँ पर तीन बार तलाक 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 अगर बोल दिया जाता है तो उसमें तलाक हो जाता है। इसी तरीके से आप लोग शादी में देख सकते हैं, कबूल 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 अगर बोल दिया जाता है तो वहाँ पर शादी हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जुड़वा का नया ट्रेलर आया है अभी, जो जुड़वा 2 आ रही है अभी मूवी, उसमें बोला गया है कबूल कबूल करके 3 बार बोलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बोलता है कि शादी हो गया हम लोगों की। तो इसी तरीके से यहाँ पे तलाक में होता है, ठीक है। देखिए मूवियाँ जो होती है ना उनको अगर देखा करो तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश किया करो, बस एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, देखा कि भूल गए, उनसे कुछ सीखा करो। अगर मोटिवेशन मिलता है तो मोटिवेशन सीखा करो, सोसाइटी के लिए कुछ करने का दिखता है, जिस तरीके से टॉयलेट एक प्रेम कथा
मजा आ गई तो सोसाइटी के लिए देखा करो। तो मूवी को भी आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ में कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये नहीं कि सीखा और भूल गए। ओके, तो इसी तरीके से लिया करो सब चीज़ों को। और जिस तरीके से आप लोग रोड पर चल रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, तो कई सारे हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं, कई सारे साफ सफाई से रिलेटेड रहते हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग ढंग से उन एडवर्टीजमेंट को देखेंगे जो गवर्नमेंट के होते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं उनमें से, तो उनको देखा करो। ये नहीं है कि सड़क पर चल रहे हैं, तो मतलब अपने माइंड को जो है ना हर टाइम थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में रखा करो कि हाँ यार कुछ ना कुछ सीखना है, तो उस तरीके से माइंड को यूटिलाइज किया करो। फिर देखो कितना इफेक्टिव वे में आप अपना टाइम को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ट्रिपल तलाक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ट्रिपल तलाक को यहाँ पर बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। मतलब यहाँ पर वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो मैन है उनको ज्यादा पावर दे रखी है, मतलब मेल को ज्यादा पावर दे रखी है एज कंपेयर टू अगर फीमेल कम्युनिटी को देखा जाए मुस्लिम में। तो इसको बोला गया कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस तरीके से इसको बोला गया है, ये देखिए कंप्लीटली पांच जजों की बेंच थी यहां पर, तीन ने तो एक तरीके से इसको फेवर किया है। फेवर मतलब ये जजमेंट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है, जो फेवर किया है वो वुमेन का फेवर किया है यहाँ पर दो जो है वो अलग तरीके का यहाँ पर डिसीजन दे रहे हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जो कि न्यूज एनालिसिस में भी पोर्शन है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। ये वाला देखिए, पांच जज थे यहाँ पर, जिनमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है ना, जे एस खेर, तो यहाँ पर सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो जो तीन है उन्होंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 25, पहले तो एक बार आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के बारे में बता देता हूँ, जिससे आप लोगों का बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। देखिए फंडामेंटल राइट जो है हमारे पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में, और 12 से 35 तक यहाँ पर रखा गया है इनको। 12 से 35 तक जब यहाँ पर इनको रखा गया है, तो यहाँ पर 12 से 35 के बीच में ही एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, जो आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। तो राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम की बात की जाती है, जो यहाँ पर फोकस की जा रही है वो आर्टिकल खासकर 25 के ऊपर फोकस किया जाता है। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हम इंडिपेंडेंट है, कि अपना जो कोई रिलीजन है उसको किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके से उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट है और उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक तो आर्टिकल के बारे में मैंने बता दिया, बचे हुए कितने बच गए, 26, 27 और 28, तीन आर्टिकल बच गए, उनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा, कल जब आंसर दूंगा तो इनके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पर यह बात बोली गई कि जो प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाती है, जो प्रोटेक्शन दी जाती है रिलीजन के तहत, वो प्रोटेक्शन यहाँ पर इसको नहीं मिलेगी। ठीक है, कुरान के अंदर जो इसको बोलते हैं यहाँ पर तलाक ए इबादत, मतलब तलाक ए बिदअत, मतलब क्या है इसका, मतलब बहुत जल्दी इंस्टेंटली डिवोर्स दे देना, तीन बार बोलना तलाक 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 और तलाक हो गया, तो इसको बोलते हैं तलाक ए बिदअत। ठीक है, तो इसको जो बोला गया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, और इसको प्रैक्टिस की जाती है तो इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आर्टिकल 25 के तहत। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है, इन जो तीन जज हैं इनके द्वारा ये बात बोली गई है। ओके, पर लेकिन जो दो जज हैं इनके द्वारा क्या बात बोली गई है, इनके द्वारा ये बोली गई कि देखिए एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि ये लगभग 1400 साल पुरानी प्रैक्टिस है, तो इस तरीके से इसको एकदम साइड में हम लोग नहीं रख सकते। दूसरे क्या बोल रहे हैं कि 90% इंडियन मुस्लिम इसको एक तरीके से वो कर रहे हैं, तो कम से कम उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। पर लेकिन मेजोरिटी का व्यू आता है यहाँ पर, तो 3.2 की मेजोरिटी से ये जीत गए हैं, तो आज तो इसको बोला गया इसको जो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी अब आर्टिकल 25 के तहत। तो ये कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पर निकल के आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 के तहत, अब उससे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, जो कि यहाँ पर तलाक वाला जो इशू चल रहा है, तो इस तरीके से इसको साइड में रख दिया जाएगा। तो आप लोग खुशी भी देख सकते हैं यहाँ पर, वुमेन की कितनी खुशी है यहाँ पर। ये भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था जिसके तहत केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको खुशी मिली है काफ़ी। आखिर सही भी है यार, देखिए अगर राइट है एक तरीके से वो सबको इक्वल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी मुस्लिम हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे हिंदू महिला हो, तो वो देखिए एक तरीके से ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदू महिला अलग है और मुस्लिम महिला अलग है तो इंसान ही ना, तो दोनों को राइट एक जैसे मिलने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आप लोग बताइए किस आर्टिकल के तहत ये आता है, ठीक है, ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में किस आर्टिकल के तहत ये आता है। पुराने टाइम में भी आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में बी आर अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू ने भी खूब संघर्ष किया इसको बनाने के लिए, पर आज तक भी ये ढंग से इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में नहीं किया गया है। आप लोगों ने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी बर्निंग इशू था ये उस टाइम पर। ओके, आइए अब आर्टिकल देखते हैं अपना। देखिए आर्टिकल लिखने वाले भी थोड़ी चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बातें भी बता रहे हैं, इनका भी अपना एक व्यूज है। तो यहाँ पर बोले हैं, वैसे तो फाइव जो जज हैं उनमें से आप लोग देख सकते हैं जजों की भी राय नहीं मिल पा रही है, जज भी दो अलग हैं और तीन अलग हैं, तो वहाँ पर भी राय मिल पा रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना क्रिटिकल इशू है। तो क्रिटिकल इशू है ये, एक तरीके से इतने दिनों से चला हुआ रहा है, तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि प्रोटेक्शन भी नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक तरीके से इसेंशियल पार्ट, एक तरीके से तलाक जो है, इंस्टेंट जो तलाक की बात की जा रही है,
तो उन्होंने बोला है कि जो इसेंशियल तलाक है उसको इस्लाम का पार्ट नहीं बोला गया और जो प्रोटेक्शन उसको दी जाती थी वो नहीं दी जाएगी। वैसे नॉर्मली अब तक प्रोटेक्ट किया जा रहा था उसको आर्टिकल 25 के, पर अब नहीं दी जाएगी। मेन जो ग्राउंड रखा गया है इसके स्टेक डाउन करने का वो क्या रखा गया है, यहाँ पर वो बता रहे हैं आगे कि देखिए यहाँ पर जो पावर दे रखी है वो मैन को ज़्यादा दे रखी है और मैन जो है वो कैप्रिशियसली मतलब चंचलता के द्वारा और विम्सिकली सन की एक मिजाज में भी कभी भी क्या बोल देता है कि तलाक 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 बोल के चला गया। कई बार इस तरीके केसेस देखने को मिले हैं, आप लोगों से पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि फ़ोन पर 3 बार तलाक 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 बोल दिया या फिर व्हाट्सएप पर तलाक 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 लिख के सेंड कर दिया, या फिर हम लोगों ने एक मध्य प्रदेश का केस भी डिस्कस किया था, वहाँ पर एक जो वूमेन थी वो सो रही थी और उसका हस्बैंड काम करके आया तो वो देख रहा था कि मैं काम करके आ रहा हूँ ये यहाँ पर सो रही है, तो वो उसको सोती सोती को तलाक 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 बोलकर चला गया और जब उठी तो उसकी सास ने बताया कि तुझे तलाक देकर चला गया है। तो इस तरीके के केसेस भी देखने को मिले हैं, तो ये सारे केसेस तो देखने को मिले हैं, पर लेकिन कोर्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरीके से जेंडर जो इक्वलिटी है उसका वायलेशन करता है ट्रिपल तलाक। ठीक है, ये बात यहां पर बोल रहे हैं आर्टिकल लिखने वाले। और जो जज हैं अदर ये भी बोल रहे हैं कि इसको प्रैक्टिस को आर्बिट्रेरी बनाने के लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन के एलिमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कि डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट हम लोगों को सामने लेके आना है कि ये जेंडर जो इक्वलिटी है उसको मतलब उसका हनन करता है, तो उसमें जाने की कोई जरूरत भी नहीं है इसको साइड में रखने के लिए, ये एक ऐसी आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस है। ओके, आगे क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये बोले कि जो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है एक तरीके से जो केस कोर्ट में चल रहा है ये कहीं ना कहीं शूमूटो एक्शन है। शूमूटो क्या रहता है, शूमूटो रहता है अपने आप, कोर्ट ने देखा कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, उन्होंने अपने आप ले लिया इसको, इशू को अपने आप उठा लिया, वरना इसको इतना ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिल रहा था कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे जी ने कर दिया था, तो ऐसा कोई गैदरिंग क्रिटिकल मास नहीं दिख रहा था कि जो इसको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा था, बस थोड़ी बहुत वुमेन मिलकर उन्होंने इसको अपोज किया और उसके बेस पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया। ओके, तो आगे जो व्यू दिया गया है वो हम लोग देख ही चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो हम लोगों ने देखा था वो बोले थे कि रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, तो इसके बारे में ओपन नहीं है कोर्ट के लिए, अगर देखा जाए तो, अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो ये रिलीजन के अंदर में आता है, तो उन्होंने अपना व्यू वो दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम जो पर्सनल बोर्ड है उनके द्वारा भी बोला गया है कि देखिए ये सही नहीं है कि कोई जुडिशियल वर्डिक्ट के द्वारा जो किसी रिलीजन की प्रैक्टिस है उसको उखाड़ फेंकना। ठीक है ना, हालांकि एक बात सही है अपनी जगह कि हाँ हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, उन चीज़ों को हम चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, वर्डिक्ट इंटरेस्ट में है मॉडर्न सोशल ऑर्डर के, पर लेकिन फिर भी एक रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो वो उनको अपने आप सॉर्ट आउट करनी चाहिए, उसमें कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का क्या व्यू है आज इसके बारे में, अगर आप ये वर्डिक्ट देखते हैं आप लोग किस तरीके से इसको देखते हैं, सोसाइटी में मैक्सिमम जो तबका है उसने सपोर्ट किया है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, सब ने इसको बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा डिसीजन यहां पर आया है। ओके, आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो लिखा गया है ये पंकज और नवीन जी के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कई तरीके से प्रोटेक्शन की बात करें। देखिए आज के डेट में टेक्नोलॉजी हम हर तरीके से यूज़ करते हैं, कई तरीके से यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो बात की गई है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की गई है, उनको मैनेज करने की बात की गई है। हम लोगों ने देखा था कुछ दिनों पहले हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से एलिफेंट्स को हम काउंट करते हैं, एलिफेंट्स से रिलेटेड जो सेंसस निकल के आता है या फिर टाइगर का सेंसस निकल के आता है तो किस तरीके से हम उनको काउंट करते हैं, वो प्रैक्टिस हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो कहीं कैमरा लगा देते हैं, कहीं कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसी को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए दो तीन तो आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलेगी, आप लोगों को कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम जानने को मिलेंगे यहां पर, तो उनको आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे कि कई बार मैच करने के लिए आ जाता है कि कौन सी गोवा में है कौन सी मध्य प्रदेश में है। ओके, तो जो फर्स्ट एग्जांपल लिया गया है जहां पर कैमरा वगैरह लगा दिया जाता है तो ये बोला गया है महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा, तो याद रखिएगा महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा, एशियाटिक वाइल्ड कैट इन बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, तो यहां पर कैमरा वगैरह लगाकर मैक्सिमम यूज करते हैं। ओके, आगे बोला गया है रेडियो कॉलर, इसको मैं आप लोगों को पहले एक बार दिखा देता हूं उसके बाद में आप लोग समझ पाएंगे। ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं गले में ये पट्टा डाल देना, ठीक है, इसके द्वारा ट्रैक किया जाना, तो ये बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके का भी यूज किया जाता है, कहां पर यूज किया जाता है, इस तरीके का यूज किया जाता है यहां पर बांदीपुर कर्नाटक में बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक में याद देखिए इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इनका, कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार मैचिंग में आता है, खासकर जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें तो बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या की गई, यहाँ पर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में भी इस तरीके का यूज किया जाता है, कई जगह सैटेलाइटरी टेलीमेट्री की जाती है, सैटेलाइट के हिसाब से उसको ट्रैक किया जाता है। ये कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन गुजरात। ठीक है ना, खासकर देखिए ये वाला जो पक्षी है आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड क्रिटिकली ये कहीं उसमें जोन में पहुंचा हुआ है, तो ये मैक्सिमम जो पाया जाता है ये मैक्सिमम आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा और खासकर राजस्थान में, इंडिया में और गुजरात में देखने को मिलेगा, तो इनको ट्रैक किया जाता है, इनको काफी हद तक इनको ट्रैक किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक मिनट आ गया,
तो यहाँ पर इनको ट्रैक किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो इनको ट्रैक किया जाता है बॉर्डर तक भी, इनको अक्रॉस बॉर्डर भी ट्रैक किया जाता है। तो कई सारे हम लोग सॉफ्टवेयर सोफिस्टिकेटेड जटिल सर्विलेंस यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं किस तरीके से इनको ट्रैक करने में। और आज की डेट में हम बहुत ही लार्ज स्केल पर ये चीज़ें डेवलप कर चुके हैं कि हम कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा खुद का हम लोग एक तरीके से सैटेलाइट डेवलप कर चुके हैं, तो किस तरीके से चीज़ों को ट्रैक करना है। तो सर्विलेंस टेक्नोलॉजी हम लोग मॉनिटर करने के लिए विदाउट मूविंग अपने रूम पर बैठे बैठे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी हम लोग इस हद तक पहुंचा चुके हैं आज की डेट में। पर इतने लार्ज स्केल पर टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद भी कुछ एरिया ऐसे हैं जो हम बहुत गहरे चले जाएं या फिर बहुत गहरे समुद्र में चले जाएं या फिर बहुत ऊपर उड़ने वाली या फिर बहुत बड़ी कैट जो होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में हम अब भी जो टेक्नोलॉजी के जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं उनसे आउट में हैं, ठीक है। अब भी उनसे आउट में, मतलब अब भी उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या मैप नहीं कर पा रहे हैं। पर लेकिन लार्ज स्केल पे हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ हम लोग बोलते हैं, तो वाइल्ड लाइफ कहाँ वाइल्ड लाइफ रह गई, जब हम हर लेवल पे उसको मैप कर रहे हैं, हर लेवल पर हम लोग जानते हैं उनका मूवमेंट, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ तो वो रही नहीं गई। वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्सेप्ट था तो वो तो खत्म ही कर दिया आप लोगों ने, तो वाइल्ड लाइफ कहाँ से रह गई। आगे बोल रहे हैं, देखिए एस्थेटिकता मतलब सुंदरता जो है वो अपनी जगह है, और जो एथिकल जो नैतिकता इशू है वो अपनी जगह है। कैमरा आप लोग हर जगह लगा देते हैं, प्राइवेट लाइफ होती है एनिमल्स की भी, उनकी भी जिंदगी है। अगर आप लोग आपकी प्राइवेट लाइफ में कोई उंगली करे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर उनकी लाइफ में आप लोग कंप्लीटली उसको एक एक चीज एक एक स्टेप उनका फोकस कर रहे हैं आप लोग, तो एक तरीके से उनकी जो वाइल्ड लाइननेस है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। आगे देखिए, आप लोग रोड वगैरह बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी इतनी ज्यादा कर रहे हैं आप लोग, चाहे कोई भी फॉरेस्ट वाला एरिया हो वहां पर भी आप लोग उनका जो रहने का एरिया है वो खत्म करते जा रहे हैं। तो जो वाइल्ड लाइफनेस है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में खत्म होती जा रही है, अगर एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि सब कुछ हम घर बैठे देख लेते हैं, सब कुछ हम घर बैठे ट्रैक कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रही है यहाँ पर रिलेशनशिप में, जो वाइल्ड लाइफ आप लोग बोलते हैं उसके नजरिए से अगर देखा जाए। तो अगर जिस तरीके से आपकी हरकतें चल रही हैं, अगर ये हरकतें ऐसी चल रही, तो जो वाइल्ड लाइफ एरिया है वो एक तरीके से आप लोगों के लिए पार्क बन जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से पार्क में घूमने जाते हैं तो वो पार्क में कन्वर्ट करते जा रहे हैं आप इसको, तो इस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि देशव्यापी यूबिक्यूटस मतलब पूरे देश में हम लोग हाई टेक्नोलॉजी यूज करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वाइल्डनेसनेस जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिंग के पॉइंट पर जो आप लोगों की थीम ये चल रही है, कहीं ना कहीं आप लोग उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो उनकी वाइल्ड लाइफनेस है, ठीक है। तो उसके बारे में एक कंप्लीट आर्टिकल था। तो देखिए, हम लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आखिर उनकी भी एक जिंदगी है, उनको भी अच्छे से इंजॉय करनी चाहिए। हम लोग हर जगह प्रोटेक्शन करते हैं, हम लोग आप लोग जू में देख सकते हैं उनको बांध कर रखते हैं, तो किस हद तक हम लोग जा रहे हैं वो हम लोग समझ सकते हैं अगर आज की प्रेजेंट डे में दुनियादारी को हम लोग देखें। तो पेज 1 पर, पेज 10 पर और पेज 12 पर भी ये आर्टिकल है, यहाँ पर बात क्या की गई है, ट्रंप के बारे में जिक्र किया है। ट्रंप ने बोला है कि इंडिया को ऑफर किया है बड़ा रोल अफगानिस्तान में। देखिए, अफगानिस्तान जो है हमारी पड़ोसी कंट्री है, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय तक एक इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है कि वहां पर आतंकवाद का साया फैला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में जिक्र किया गया है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में जिक्र किया गया है, बराक ओबामा जी के बारे में जिक्र किया गया और डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में जिक्र किया गया है। तो अगर तीन प्रेसिडेंट को आप लोग देख सकते हैं, तो इनके प्रेसिडेंट की ड्यूरेशन में अगर देखा जाए, 2001 में जब बुश जी थे तब उस टाइम पर लगभग 7,000 के करीब यहाँ पर ट्रूप्स रहते थे। 2010 में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओबामा जी के टाइम पर आए हैं यहाँ पर, 1,00,000 के करीब तक भी आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर 2017 में आज की डेट में 8,000 के करीब हो गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बढ़ती और घटती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पड़ोसी देश एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बात ये की गई है, पाकिस्तान के अगर टच में रहता है तो पाकिस्तान, आप लोगों को पता है अफगानिस्तान भी कई बार क्रिटिसाइज करता है पाकिस्तान को कि हमारे यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाता है, और इंडिया तो ब्लेम करता ही रहता है। तो इंडिया ने इसका जो स्टेप लिया, इन्होंने इसको वेलकम किया है और पाकिस्तान को वॉर्न भी किया है कि अगर वो इस तरीके की जो क्रियाकलाप कर रहा है उसमें संलिप्त पाया जाता तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की बात की गई। तो नई पॉलिसी जो निकाल के लेके आ रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से रिलेटेड, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेक देने की बात की जा रही है इंडिया को, ठीक है। तो देखिए, अगर इंडिया रोल प्ले करेगा इस तरीके से तो आने वाले टाइम में इंडिया की साख तो बढ़ेगी, पर इंडिया को भी फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी ऐसे हैं, आज तो बात बोल रहे हैं, कल को बोलेंगे, जब भी कोई कहीं पे पार्टी वार्टी में जाएंगे, थोड़ी बहुत पीवी के आएंगे तो बोलेंगे कि यार मैंने कब बोला था, वो तो मैंने मजाक में बोल दिया था, तो इनका कुछ पता नहीं है। तो इंडिया को फूक फूक के कदम रखने चाहिए। पता चला कल को हमने वहां पर जाकर अपना पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, हमने अपने ट्रूप्स भी भेज दिए, हमने अपने मतलब सारी चीज़ें हमने पार्टिसिपेट किया अच्छे लेवल पर, और डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपना हाथ खींच लिया, तो हम अकेले थोड़ी ना वहां पर ये सारी चीज़ों को टैगल कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको जो भी स्टेप्स लेने चाहिए वो सोच समझ कर स्टेप्स लेने चाहिए, ओके।
ये नई तरीके की प्रजाति पाई गई है मेंढक की। आप लोग देख सकते हैं ये पिग के जैसी आकृति का है, यहाँ पर आप लोग इसका देख सकते हैं चेहरा भी किस तरीके से दिख रहा है, मेंढक हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। तो नई तरीके की प्रजाति पाई गई है कहाँ पे, तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट में, ठीक है। इसका नाम लोग आप लोग याद रख सकते हैं, वैसे तो आप लोग नॉर्मल लास्ट वाली टर्म याद रख सकते हैं, लास्ट वाली टर्म है वो है भूपति, ठीक है। वैसे पूरा नाम याद रखना हो तो पूरा नाम है इसका नासिका बत्रा चूस, ठीक है। तो भूपति ये पूरा इसका नाम है। ये पाया कहाँ पे गया है, वेस्टर्न घाट में पाया गया है। तो श्री विल्ला पुथुर ग्रिजल गेंट जेंट स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पर ये पाया गया है। तो इस वाले एरिया का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये सेंचुरी है यहाँ पर तमिलनाडु में। तो कई सारी सेंचुरी आपकी हो गई। अच्छा, आप लोगों के अपने अपने स्टेट में बताइए कौन कौन सी सेंचुरी है अपने अपने स्टेट में या नेशनल पार्क है, उसके सामने अपना स्टेट का नाम भी लिखिएगा, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों के स्टेट में है तो आप लोग देखिएगा, सर्च करिएगा उसको, क्योंकि आपके जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उसमें काफी फायदेमंद रहता है और कई सारे इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो आप लोग इसके बारे में बताइएगा, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेलांदूर लेक के बारे में जिक्र किया गया, कई बार हम पास में भी इसमें देख चुके हैं, कई बार इसमें आग भी लग जाती है, यहाँ पर इतना ज्यादा पोल्यूशन है, ये झाग सा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये फोम के रूप में आप लोग देखने को मिल रहा होगा। तो आसपास देख सकते हैं, सड़क पर भी अगर इंसान जा रहा है तो वहाँ भी पड़े हुए हैं इसके जो उड़ उड़कर ये जो झाग वगैरह है, जो भी ये फोम वगैरह है, तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। जो NGTN नेशनल ग्रैंड ट्रिब्यूनल है उसने बहुत बड़ी फटकार लगाई है, उन्होंने कर्नाटक से बोला था कि इसको चीज़ों को सही करो, पर वो सही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे रिपोर्ट मांगी है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रिपोर्ट दो, आपने क्या क्या स्टेप लिए हैं, अगर कोई स्टेप लिए हैं तो इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला है। तो आप लोग बेलांदूर लेक का नाम याद रखिएगा, ये पड़ती है कर्नाटक में, ओके, बेंगलुरु में, तो याद रखिएगा इसका बेलांदूर बेंगलुरु। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अराउंड द 46% वुमेन जो है आज के डेट में मोबाइल यूज़ कर रही है इंडिया में। ये रेड वाला एरिया है यहाँ पर कम मोबाइल यूज़ करती हैं, और जितना ग्रीन वाला एरिया है वहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, 81% तक का वहाँ पर यूज़ करती हैं। तो सिक्किम में आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सिक्किम में लग रहा है, नहीं केरला में सबसे ज़्यादा है, केरला में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर गोवा में है, ठीक है, तीसरे नंबर पर सिक्किम में है, फिर यहाँ पर दे रखा है 35 है झारखंड में, इससे ऊपर कोई नहीं है। तो ये वाले एरिया देख लिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वुमेन को काफ़ी इक्विलेंट का दर्जा दिया जाता है, इक्विलिटी का दर्जा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। वरना कई सारे एरिया ऐसे रहते हैं आप लोगों को रेड देखने को मिल रहा होगा, मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड ये वाला एरिया हो गया, तो ये वाला एरिया आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पर ज़्यादा बायसनेस रहती है और ज़्यादा मोबाइल वगैरह यूज़ करने नहीं दिया जाता है। तो अगर आप लोग कभी एस्से वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें इस तरीके के पॉइंट्स डाल सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया देखिए काफ़ी अच्छी रिसोर्सफुल कंट्री है, तो वहाँ से हम लोग यूरेनियम वगैरह खरीदते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोगों को याद रखना है, एक इशू निकल के आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमको कोई भी प्रोडक्ट सेल करने में काफ़ी टाइम लगाता है, और जो इशू है वो मतलब उनको क्लियर नहीं करता है जल्दी। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को याद रख सकते हैं, आप लोग जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कोल लेता है, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा कोल बेचता है इंडिया को, ये आप लोग याद रख सकते हैं। और देखिए कई सारी और भी चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, आप लोगों को कम से कम एरिया का पता होना चाहिए, एरिया कहाँ पे लोकेटेड है ये ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हो गया थोड़ा न्यूजीलैंड हो गया यहाँ पे, ओके। तो और भी कई सारी चीज़ें, थोड़ा मैप में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आसपास वाली जाके, इसके आसपास में क्या पड़ता है सी देखिएगा, या फिर यहाँ पे आप लोगों को मतलब कोरल रीफ भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा मैप में जाके, तो कई सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं जानने को मिलेगी यहाँ पर। तो आज का आपका क्वेश्चन हो गया मैप का, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा देखिएगा जाकर मैप में। आइए जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने उनके आंसर देख लेते हैं आज। पहले देखिए, जो सोरो ऑफ द बिहार है उसको बोला जाता है कोसी रिवर को, ठीक है ना, कोसी रिवर को बोला जाता है। टीआरपी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, ये आप लोगों ने कपिल शर्मा का शो भी देखा होगा, तो जो कपिल शर्मा का शो रहता है उसकी टीआरपी सबसे ज्यादा रहती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा इंसान उसको देखते हैं, एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं इन लोगों को, तो काफी अच्छी कमाई होती है टीआरपी बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने देखा था फेक न्यूज का यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, ओके। इसके बाद में मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था, तो जस्टिस चंद्रमूली कुमार प्रसाद जी हैं, चंद्रमूली कुमार प्रसाद जी हैं जो इसके आज के डेट में चेयरमैन है, और इसके बारे में ये जो ये PCI के हेड करते हैं वो होते हैं रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने स्टार्टिंग में जो पोस्ट बनाई थी वो मजिस्ट्रेट की पोस्ट क्रिएट की थी 1972 में, ओके। इसके अलावा मैंने इंडिया और नेपाल के बीच में आप लोगों से पूछा था कि क्या क्या डिस्प्यूटेड एरिया है, उनको आप मैप में देखिएगा, तो लिपू लेक पास है ये, यहाँ पर पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड यहाँ पे हो गया, ये नेपाल हो गया यहाँ पे पड़ता है, और यहीं पर काला पानी भी पड़ता है, जिसको चाइना ने कॉन्ट्रोवर्सियल जो अपना एक बयान भी दिया था कि जिस तरीके से डोकलाम वाले एरिया में इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इस तरीके से हम भी काला पानी वाले एरिया में हम भी अपना इंटरफेयर कर सकते हैं, तो इंडिया को कैसा लगेगा, तो इस तरीके से ये भी न्यूज़ में था, तो दोनों का आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके।
तो देखिए आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक की मेरी प्रोफाइल है वहां पर जाकर, या फिर टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रखा है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए अगर आप लोग ये चीजें देखते हैं तो। ठीक है, दोनों के लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे। और देखिए आज के लिए इतना ही, जितनी चीजें हो सके रिविजन किया कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पहले लेक्चर का एक बार रिविजन कर लिया कीजिए। अपने आसपास सफाई रखिए, और लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया है वो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।